जय माता दी। स्मॉली किचन में आप सबका स्वागत है। तो नवरात्रों में हम आलू हमेशा ही खाते हैं सभी तरीके से, तो आज थोड़ा डिफरेंट बनाया जाए। तो आज मैं नवरात्रि बारबेक्यू स्पेशल बना रही हूँ, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं ये पोटैटो। तो इसके लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं, दही लिए मैंने एक पाव, इसे मैंने छन्नी से छान लिया है, एकदम स्मूथ पेस्ट आपका जैसे पेस्ट होता है वैसे बन गया है दही का। और इसे हमें चटनी के साथ मिक्स करना है। तो चटनी के लिए मैंने लेना है हरा धनिया, 4 हरी मिर्च लिए मैंने, और एक टुकड़ा अदरक का लिया जिसे मैंने बारीक काट लिया है। इनकी हम चटनी बना लेंगे नमक डालकर, और इस चटनी को दही के अंदर डालकर मिक्स करेंगे। बस आप ध्यान रहे चटनी के अंदर दही डाल के कभी ना पीसें, नहीं तो वो बहुत पतला पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद मैंने 20 बेबी पोटैटो लिए हैं जिसे मैंने बॉइल्ड कर लिया है, और इसे ज़्यादा बॉइल्ड नहीं करना है। गार्निश के लिए मैंने पीनट लिया है जिसे मैंने फ्राई कर लिया है, फ्राई करके इसे मैंने सेंधा नमक और काली मिर्च लगाकर मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैंने तिल लिए हैं, सफ़ेद तिल, जिसे मैंने सूखा रोस्ट कर लिया है। अनार के दाने लिए हैं, ये तीनों हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम हरी मिर्च, अदरक और धनिया, सेंधा नमक डाल के एक चटनी बना लेंगे। जैसे कि चटनी रेडी कर ली है मैंने, और मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। मैंने मूँगफली का तेल लिया है, आप जो चाहें जो आप ऑयल पसंद करते हैं खाना वो ले लें। अभी आलू को मैं ऐसे हल्का सा प्रेस कर दूँगी और सारे आलू ऐसे रेडी कर लूँगी। ये आलू मैंने प्रेस कर लिए हैं, अभी इसे हम सब आलू को फ्राई कर लेंगे। ये आलू पूरे फ्राई हो गए हैं, अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। इसे मैंने पेपर टॉवल में निकाल लिया है, जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। अब इस स्मूथ दही में मैं ये चटनी डाल दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये सॉस रेडी है, इसे मैं आलू के ऊपर स्प्रेड करूँगी। अच्छे से डाल लें ताकि हर बाइट में आपका धनिया का और दही का स्वाद आए। इन तीनों से मैं इसके गार्निश करूँगी। थोड़ा सा मैं ये जो भुने हुए तिल हैं वो उसके ऊपर डालूँगी, उसके मैंने पीनट्स डाल दूँगी। पीनट सबका फेवरेट होता है, सबको बहुत पसंद आता है, अगर आपको पसंद ना हो तो आप ना डालें। अब मैं अनार डाल दूंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं नवरात्रि की बारबेक्यू स्पेशल पोटैटो रेडी हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें नवरात्रों में, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन जरूर दबाएं। जय माता दी।